हेलो दोस्तों स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि परीक्षा के लिए बढ़ेंगे केंद्र नहीं होगा होम सेंटर होम सेंटर नहीं होगा आपका ठीक है तो होम सेंटर नहीं होगा क्यों नहीं होगा इस वीडियो में हम बताएंगे वीडियो को अंत तक देखिएगा और साथ में यह भी हम आपको बताएंगे कि मॉडल पेपर कब तक जारी किया जाएगा ठीक है कितना कितना सेट मॉडल पेपर जारी किया जाएगा और मॉडल पेपर कितना महत्वपूर्ण होगा मॉडल पेपर से क्वेश्चन पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा यह भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और दोस्तों ये भी हम आपको बताएंगे कि परीक्षा तिथि कब तक जारी किया जाएगा तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल के ऊपर मॉडल लॉन्ग क्वेश्चन का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करवाया जाता है तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग तो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि झारखंड में मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए झारखंड अकेडमिक काउंसिल ने तैयारी शुरू कर दी है परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दिया अगले सप्ताह तक परीक्षा तिथि की घोषणा कर दी जाएगी तो अगले सप्ताह तक ठीक है परीक्षा तिथि की घोषणा कर दिया जाएगा और यहाँ पे क्या दिया हुआ, है? दिया हुआ है कि छात्र छात्राओं को परीक्षा की तैयारी के लिए कम से कम एक माह का समय दिया जाएगा और आप लोगों को तैयारी के लिए एक माह का समय एक महीना का समय दिया जाएगा ठीक है इस बार परीक्षा केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी परीक्षा केंद्र की संख्या जो बढ़ा दिया जाएगा ठीक है और यहाँ पे और क्या लिखा हुआ है कि प्रखंड स्तर पर भी परीक्षा केंद्र बनाए जाने की तैयारी चल रही है इसके लिए जिलों में जिलों से प्रखंड स्तर के लिए ऐसे स्कूलों का चयन करने का निर्देश दिया गया है जहां स्कूल चार दीवारी के अंदर हो और वहां पर्याप्त कमरे से लेकर अन्य संसाधन मौजूद हो ठीक है वैसे स्कूल में सेंटर बनाया जाएगा जहाँ पे घेराव हो ठीक है चारों तरफ से स्कूल बंद हो और वहाँ पे सभी संसाधन मौजूद हो और पर्याप्त कमरे भी मौजूद हो ठीक है ना उसे स्कूल को ही परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा ठीक है ऐसे में उम्मीद उम्मीद की जा रही है कि एक हज़ार से ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए जा सकेंगे और यह भी उम्मीद किया जा रहा है कि एक हज़ार से ज़्यादा परीक्षा केंद्र बनाए जा सकेंगे इनमें मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा की, की परीक्षा हो सकेंगे परीक्षाओं के लिए होम सेंटर नहीं बनाए जाने जाएंगे होम सेंटर बनाने पर राज्य के तीन हज़ार से ज़्यादा स्कूलों में परीक्षा का संचालन करना होगा देखिए क्यों नहीं बनाया गया है आपके स्कूलों में होम सेंटर होम सेंटर इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि तीन हज़ार से ज़्यादा स्कूल में होम सेंटर बनाना पड़ेगा ठीक है और भी सभी जगहों पर सुरक्षा दृष्टिकोण से मजिस्ट्रेट से लेकर सुरक्षा बल तैनात करना होगा ठीक है तो क्या है कि सभी जगह पर सुरक्षा बल तैनात करने पड़ेंगे मजिस्ट्रेट तैनात करने पड़ेंगे ठीक है कई हाई व प्लस टू स्कूलों में अभी भी सारे संसाधन मौजूद नहीं है और बहुत सारे स्कूल ऐसा है उसमें पर्याप्त संसाधन मौजूद नहीं है चाहे कोई स्कूल आप देखेंगे तो चार दीवारी नहीं है उसमें है पर्याप्त कमरे नहीं हैं जिस कारण से होम सेंटर नहीं बनाया गया है जिससे परीक्षा का संचालन हो सकेगा इससे मैं हर बार मैट्रिक इंटर की परीक्षा के लिए बनने वाले परीक्षा केंद्र की के संख्या बढ़ाई जाएगी और हमेशा जैसे आप लोग का परीक्षा होता था परीक्षा केंद्र होते थे उसमें और बढ़ोतरी कर दिया जाएगा ठीक है कोविड के मानकों का पालन करते हुए और छः फीट की सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा की आ, के साथ परीक्षार्थी शामिल होंगे ठीक है तो यहाँ पे छः फीट का डिस्टेंसिंग होगा और परीक्षा केंद्र में आप शामिल होंगे ठीक है दोस्तों इससे आपको पता चल गया कि आप लोगों के पास जब रूटीन आएगा तो एक महीना बचेगा तैयारी करने के लिए ठीक है अब एक महीना में तैयारी कैसे करें तो एक महीना में तैयारी कैसे करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे मॉडल प्रश्न पत्र यहाँ पे सीधा लिखा हुआ है ठीक है यहाँ पे देखिए मॉडल प्रश्न पत्र के आधार पर सेट होंगे प्रश्न पत्र जिसे में आपका मॉडल प्रश्न पत्र जारी करेगी जैक और ये मॉडल प्रश्न पत्र के आधार पर ही जो आपका एग्जाम बनेगा मतलब की फाइनल एग्जाम जो आप केंद्र परीक्षा देंगे जो प्रश्न सेट होगा इन्हीं के आधार पे सेट किया जाएगा ठीक है तो यहाँ पे मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र दस फरवरी तक जारी होना है मतलब दोस्तों आप लोगों को हम अभी बताए थे कि कब तक जारी होगा ये भी हम बताने वाले हैं तो दस फरवरी तक आपका मॉडल पेपर जारी कर दिया जाएगा ठीक है हो सकता है और इसके जारी होने के बाद ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट मुख्य परीक्षा के लिए प्रश्न सेट करने की तैयारी शुरू की जाएगी और जब तक मॉडल प्रश्न पत्र जारी नहीं किया जाता है तब तक आप लोग का क्वेश्चन बनना स्टार्ट नहीं होगा ठीक है तो जब तक पहले जारी होगा मॉडल पेपर उसके बाद क्वेश्चन सेट करना जो सेट करने वाले पैनल है वो सेट करेंगे ठीक है फिर यहाँ पे तैयारी की जाएगी उन्हें मॉडल प्रश्न पत्र दिया जाएगा और उसे आधार मानते हुए प्रश्न तैयार करने के लिए कहा जाएगा जो पैनल एग्जाम सेट करेगा क्वेश्चन सेट करेगा उसको मॉडल प्रश्न पत्र दिया जाएगा इसी के आधार पे आपको क्वेश्चन को बनाना है ठीक है ना तो इससे पता चल गया कि दोस्तों कि मॉडल पेपर कितना महत्वपूर्ण है क्योंकि मॉडल पेपर से ही आप लोगों का क्वेश्चन बनाया जाएगा ठीक है तो क्वेश्चन बनाया जाएगा तो मॉडल पेपर से जो भी एग्जामिनर हो की जो क्वेश्चन बनाने वाले पैनल होंगे वो मॉडल पेपर देखेंगे तो कुछ ना कुछ प्रश्न अधिकतर प्रश्न आप कह है सकते हैं कि मॉडल पेपर से ही लिया जाएगा तो दोस्तों मॉडल पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है इतना जरूरी है कि आप समझिए कि अगर जो बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है मॉडल पेपर पढ़ लीजिए आप देखिए कि एटी प्लस नंबर आप लाएंगे ठीक है तो इसीलिए आप क्या करना है कि आपको मॉडल पेपर तैयारी करना है और जब मॉडल पेपर आएगा जब बताया गया डेट यहाँ पे 10 फरवरी 10 फरवरी को मॉडल पेपर आता है सबसे पहले हम ही आप लोगों को सॉल्यूशन करवाएंगे इसीलिए आप क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा के रखना है ठीक है तो चलिए दोस्तों मॉडल पेपर जैसे ही आता है उसका सोल्यूशन हम आप लोगों के बीच में तुरंत लेके आएंगे ठीक है ये अपडेट देना था आप लोगों को ये हम अपडेट दे दिए आप वीडियो को अंत कर देते हैं जय हिंद